हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एजुकेशन सेक्टर किच इज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और हाल ही में रिलीज्ड NIRF या नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क की जो रैंकिंग्स हैं उसके बारे में आज हम आपसे बात करेंगे। सबसे पहले तो ये टॉपिक हाल ही में न्यूज में क्यों बना रहा, पिछले हफ्ते ही नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क या जिसको NIRF भी कहा जाता है, उनके द्वारा जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं हमारी कंट्री के, उनकी लेटेस्ट रैंकिंग या उनका जो सिक्स्थ बेसिकली एडिशन है उसको रिलीज किया गया है। ये रैंकिंग्स एजुकेशन मिनिस्ट्री द्वारा बेसिकली कंडक्ट करवाई जाती हैं और अभी जो रैंकिंग्स रिलीज हुई हैं जिसमें जो तीन टॉप इंस्टीट्यूट्स रैंक किए गए हैं वो हैं IIT मद्रास, IISc बैंगलोर एंड IIT बॉम्बे। ये जो NIRF की रैंकिंग है ये बेसिकली किस तरीके से शुरू हुई, कैसे ये कंडक्ट की जाती है, कौन से पैरामीटर्स इसमें अकाउंट में लिए जाते हैं और आगे इस रैंकिंग का क्या प्लान हो सकता है, उसके बारे में आज हम आपसे डिटेल में बात करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले समझा जाए कि ये NIRF या नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क आखिर है क्या। ये पहला इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जिसको 2016 में बेसिकली पहली बार स्टार्ट किया गया और इस इनिशिएटिव के थ्रू जो हमारी गवर्नमेंट है वो हमारे जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, मतलब हमारी यूनिवर्सिटीज हैं, हमारे IITs हैं, हमारे IIMs हैं, हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, इनको बेसिकली अलग अलग पैरामीटर्स पे रैंक करती हैं। कौन से वो पांच पैरामीटर्स हैं जिन पे रैंक करती है? वो पांच पैरामीटर्स हैं टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्सेस, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस, ग्रेजुएशन आउटकम्स, आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी एंड बेसिकली परसेप्शन। तो ये तो पांच पैरामीटर्स पे बेसिकली हर इंस्टीट्यूशन को रैंक किया जाता है। उसके अलावा 11 डिफरेंट कैटेगरीज में अलग अलग इंस्टीट्यूट को बेसिकली रैंकिंग दी जाती है। जैसे सबसे पहले ओवरऑल नेशनल रैंकिंग की, सब कुछ मिलाकर टोटल ओवरऑल अगर देखें तो क्या रैंकिंग नहीं होंगी। उसके अलावा यूनिवर्सिटीज की अलग रैंकिंग, इंजीनियरिंग कॉलेजेस की अलग रैंकिंग, उसके अलावा मेडिकल कॉलेजेस की अलग रैंकिंग, मैनेजमेंट कॉलेजेस की, फार्मेसी, लॉ, आर्किटेक्चर, डेंटल एंड रिसर्च, इन सब की अलग 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 रैंकिंग्स भी की जाती हैं दोस्तों। ये जो NIRF है ये 2016 में बेसिकली पहली बार लॉन्च किया गया और स्टार्टिंग में 2016 से पहले अगर आप देखें तो उस वक्त जो रैंकिंग हुआ करती थी हमारे इंस्टीट्यूशंस की वो गवर्नमेंट द्वारा नहीं की जाती थी या किसी इंडियन एजेंसी द्वारा नहीं की जाती थी। ये जनरली जो प्राइवेट एंटिटीज हुआ करती थी, खासतौर से न्यूज मैगजीन्स, उनके द्वारा बेसिकली की जाती थी। NIRF शुरुआत के कुछ सालों में तो ये वॉलंटरी रहा, मतलब जो इंस्टीट्यूशन इस NIRF रैंकिंग में पार्टिसिपेट करना चाहता है वो बेसिकली कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद 2018 से गवर्नमेंट ने, जितने भी हमारे गवर्नमेंट रन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर आप सरकारी बेसिकली एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है तो आपको NIRF रैंकिंग्स में पार्टिसिपेट करना ही होगा। अच्छा, इस साल टोटल रफली कितने इंस्टीट्यूशंस ने पार्टिसिपेट किया होगा? इस साल रफली 6000 इंस्टीट्यूशंस ने बेसिकली पार्टिसिपेट किया। 2016 में जब ये पहली बार रैंकिंग स्टार्ट हुई तो उस वक्त रफली 3000 के आसपास बेसिकली इंस्टीट्यूशंस ने पार्टिसिपेट किया होगा दोस्तों। अब यूनियन गवर्नमेंट ने डिसीजन क्यों लिया कि हमें NIRF की रैंकिंग्स को अपने कंट्री में स्टार्ट करना पड़ेगा? तो इसके अगर शुरुआत हम देख लें NIRF की, जो अगर आप इसकी जड़ें देख लें तो जो इंटरनेशनल रैंकिंग हुआ करती थी, खासतौर से बेसिकली QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एंड टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, इनकी रैंकिंग से गवर्नमेंट ज्यादा खुश नहीं थी। गवर्नमेंट का सोचना था कि जो इंटरनेशनल न्यूज मैगजीन से इंटरनेशनल एजेंसीज बेसिकली रैंक करती हैं वो इंडिया के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको प्रॉपरली रैंक नहीं कर पाते। और इसका रीजन हो सकता है कि जिस तरीके से, जिन पैरामीटर्स पे बेसिकली ये इंस्टीट्यूशंस रैंकिंग करते हैं, चाहे फिर वो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग हो या टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग हो, ये शायद इंडिया के जो पिक्यूलियर स्ट्रेंथ्स हैं या इंडिया के जो बेसिकली मजबूत पहलू हैं हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के, या उनकी जो सिचुएशन है, सर्कमस्टांसेस हैं या गवर्निंग फैक्टर्स हैं, उनको प्रॉपरली अकाउंट में नहीं लेते, एड्रेस नहीं करते। और इस वजह से उस वक्त के हमारे एजुकेशन मिनिस्टर श्रीमती स्मृति ईरानी जी ने 2015 में जो विंटर सेशन था हमारा पार्लियामेंट में, उसमें कहा कि ये जो इंटरनेशनल रैंकिंग्स हैं जिसमें हमारी रैंकिंग काफी खराब दिखाई जाती है, ये बहुत सब्जेक्टिव नेचर की हैं और ये रैंकिंग
कुछ चंद लोगों या चंद एजेंसियों की जो थॉट प्रोसेस है या उनका परसेप्शन, उनका सोचना है हमारे बारे में, उसका एक रिफ्लेक्शन हो सकता है। जो जरूरी नहीं है कि हमारे इंस्टीट्यूशंस की जो रियल रैंकिंग होनी चाहिए उसको प्रॉपरली रिप्रेजेंट करता हो, उसको प्रॉपरली डेमोंस्ट्रेट करता हो। ये सिर्फ कुछ सिलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्सन क्या सोचते हैं हमारे IITs के बारे में, IIMs के बारे में, JNU के बारे में, DU के बारे में, उसके आधार पर ही ये रैंकिंग्स हर साल सर्कुलेट की जाती हैं। और इस वजह से 2015 में डिसीजन लिया गया कि जिस तरीके से चाइना ने बेसिकली अपनी खुद की रैंकिंग स्टार्ट की 2003 में, इसी चीज को संज्ञान में लेते हुए इंडिया भी 2016 से उस रैंकिंग को बेसिकली अडॉप्ट करना शुरू कर देगा। चाइना ने भी 20 साल पहले रफली 2003 के आसपास सिमिलर इश्यू को फेस किया कि जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं वो चाइनीज यूनिवर्सिटीज या चाइनीज एजुकेशन ऑफ हायर चाइनीज इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन उनको प्रॉपर बेसिकली तवज्जो नहीं दे रहे थे। तो चाइना ने 2003 में शंघाई बेसिकली रैंकिंग्स को शुरू किया और ये ऑर्गेनाइज की जाती हैं शंघाई जियाओटोंग यूनिवर्सिटी द्वारा। और जब पहली रैंकिंग हुई तो इसमें 9 चाइनीज यूनिवर्सिटीज और 3 IITs एंड ISCs बेसिकली इसमें बेसिकली पब्लिश हुए, टॉप 500 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस अकॉर्डिंग टू शंघाई रैंकिंग्स। इंडिया ने सोचा कि जिस तरीके से चाइना ने इस चीज को समझा या एक्नोलेज किया कि ये जो न्यूज मैगजीन्स रैंकिंग करती हैं ये इंडियन पर्सपेक्टिव को प्रॉपरली रिप्रेजेंट नहीं करती, इंडिया ने भी 2016 से इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अपनी बेसिकली डोमेस्टिक रैंकिंग्स को स्टार्ट कर दिया। दोस्तों अच्छा अब ये बताइए कि जो NIRF है या नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क है ये सिर्फ इंडियन यूनिवर्सिटीज को बेसिकली रैंक करता है या चाइनीज शंघाई रैंकिंग्स की तरह इंटरनेशनली बाकी यूनिवर्सिटीज को भी रैंक करता है? अभी NIRF सिर्फ इंडियन यूनिवर्सिटीज को ही बेसिकली रैंक करता है, लेकिन हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनका कहना है कि धीरे धीरे कोशिश की जाएगी कि इसको इंटरनेशनल कैरेक्टर दिया जाए। दोस्तों अच्छा इस बार जो 11 डिफरेंट कैटेगरीज हैं जिसमें पहली कैटेगरी है ओवरऑल रैंकिंग, उसमें क्या रैंकिंग रही? सबसे पहले IIT मद्रास, फिर ISC बैंगलोर, फिर IIT बॉम्बे, फिर IIT दिल्ली एंड देन नंबर 5 पे IIT कानपुर। तो दोस्तों ये रहा एक बहुत छोटा सा लेक्चर हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF की हाल ही में रिलीज रैंकिंग्स पर। मुझे उम्मीद है आपको यह लेक्चर पसंद आया होगा। स्टे ट्यून्ड फॉर अ नेक्स्ट सेट ऑफ वीडियोस। अंटिल देन जय हिंद जय भारत।